ନମସ୍କାର, ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଅନୁରାଧା, ଖବର ମୂଲକର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନୁ। महानदी झमेला केबे सरबा, ब्यारेज करिकिना पाइन नै जाउचे छत्तीसगढ़, ओडिशा ने सुखुचे महानदी। राय सरकार आंतरिकता उपरे उठला प्रश्न, सियाडे 2019 निर्वाचन परनु राजनैतिक दल चुप। कालीनु दुई दिन लगे कलाहांडी आसबे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, 20टा जगाने स्वागत लगे आयोजन, भिन भिन कार्यक्रम ने देवे जुग। 22 तारीख सकालु करबे अधिष्ठात्री देवी माँ माणिकेश्वरी दर्शन। झुलवा अवस्था ने नल्ला रेल प्रकल्पर भाग्य, आशाने रही जाइए रेल लोकोमेटिक कारखाना। इच्छा नहीं देखाबार राय सरकार, 10 बरस पर भिल काम नहीं हला जमी अधिग्रहण। फेल मारला राय सरकार को आशीर्वाद योजना, घोषणा ने रहीगला कथा, अनाथ शिशु को एवं तक नहीं मिली पार्ला सहायता। संबलपुर भिन भिन जगानु आसला योजनार असली चित्र। आईन ने बदलिला ओबीसी संरक्षण बिल, राष्ट्रपति मुहर उतारू प्रकाश पाइला गैजेट नोटिफिकेशन। इथर राइज मान के मिलवा पछुआ वर्ग को चिन्हार अधिकार। आरु राइज ने 24 घंटा ने 986 पॉजिटिव, खोर्धा ने सबको नु एतका 373 और कटक नु 139 आक्रांत। इड़े कम्बा नहीं कोरोना मृत्यु, फेर 69 जनकर जीवन नेला भाइरस। आमा पूरा खबर के महानदी भविष्य काणा, महानदी विवाद केबे सरबा, ब्यारेज करिकिना पाइन नहीं जाउचे छत्तीसगढ़। महानदी पाइन लगी ओडिशा आर छत्तीसगढ़ भितरे चली थी झामेला के 4 बरस हलान। 2019 मसीहा निर्वाचन ने महानदी लगी आवाज उठाऊ राजनैतिक दल मैंने भी निर्वाचन सरला उतारू चुप बसीचन। छत्तीसगढ़ महानदी ऊपर मुंडे 2268 प्रकल्प बनईवार लगी ओडिशा ने महानदी सुखी जाऊे विशेषज्ञ मैंने कही। 3 बरस ने 21 थर शुणानी आर 2टा द्विपाक्षिक बैठक बाबद के राज्य राजकोष नु 6 कोटी अत्का टंका खर्चा हलान। 2019 निर्वाचन आगु राज्य सरकार महानदी बचाओ अभियान करवा संगे गच लगेकिना कोटी कोटी टंका पाइन बागिर खर्चा करिचन। हेले निर्वाचन उतारू महानदी उपरे सरकार नजर नाइन। बड़ डैम 8, संख्याधिक बेरेज, शताधिक आनिकट, एवं केवल महानदी उपरे समान करी नहांती। महानदी को जलप्रसु करूथुबा जो नदी गुड़ाक रहिला, एवं से नदी गुड़ाक जलप्रसु करूथुबा जो छोटे नदी गुड़ाक रहिला ता उपरे भी समान डैम बेरेज एवं आनिकट निर्माण करिछंती। तेणु जो प्रकार जलप्रवाह महानदी को आसीबा कथा से जलप्रवाह प्रकृति में आसू ना। तेणु जतेबेले प्रकृति में आनिकट डैम बेरेज गुड़ाक निर्माण सरीजीव, एवं जतेबेले सेठिकार कॉर्पोरेट सेक्टर प्रबल मात्रा रे पानी नवा आरंभ करिवे, सेतेबेले ओडिशा प्रकृतिर असल संकटर सम्मुखीन करिवो। तेणु आगामी दिन रे संकट माने संकटटा आहुरी संगीन हेबाकु जाउछि। ओडिशा सरकार तांकर तथ्य रखुचंती, छत्तीसगढ़ सरकार तांकर तथ्य रखुचंती, सेमाने कहुचंती आमे आमर हक रे अछु। ओडिशा कहुचि आमर हकटा छत्तीसगढ़ मारिछि, तो यार समाधान ट्राइब्युनल अर्डर देले भी हेइजिवो मु कहुनी। गोटे भल माने मध्यस्थता करिवार कोऑपरेशन केमती हेबो, दुईटा राज्य भितर गोटे सौहार्दपूर्ण वातावरण केमती सृष्टि हेबो, झमेला न हेबो, सेटा मु भाव छी। यदि करा जांता ताले किछि मात्रा रे गोटे आपोस आलोचना दुईटा राज्य भितर यदि हेबो ताले यार समाधान रो किछि बाटो बाहरी पारे। काली रो दुई दिन लागि कलाहांडी आसुचन केन्द्र रेल सूचना आर प्रजुक्ति मंत्री अश्विनी वैष्णव। कोरापुट कार्यक्रम सारिकिना नवरंगपुर जिला नु कलाहांडी आंपानी देकि भवानीपाटना आसबार कार्यक्रम रहिछे। तांकर आसबा खुशी ने जिला बीजेपी आड़ बहुटे प्रस्तुति करा जाइछे। तांकर आसबा रास्ता ने प्राय 20टा जगाने तांको संवर्धना दिया जिबा संगे लोक मानकर संगे कथाबार्ता दाबी पत्र देवार संगे भिन भिन कार्यक्रम रहिछे। भवानीपाटनार सर्किट हाउस ने राति बीतेकिना 22 तारीख सकाल कलाहांडीर अधिष्ठात्री देवी माँ माणिकेश्वरी को दर्शन करबे। निश्चित भाव में कलाहांडी गोटे गर्व गौरव विषय जे आज ओडिशा
रु निर्वाचित होकर राज्यसभा एमपी भाव में जामर माननीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव कलाहांडी गस्त आगामी 21 तारीख दिन अच्छी कलाहांडी समग्र कलाहांडी जिले में 23 कार्यक्रम निर्धारण करा जाइछि। आगमन रे भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता मन भितर गोटे नुआ उत्सव नुआ आशा आकांक्षा रही अच्छा आम जाणीचु कलाहांडी गोटे आकांक्षा जिला एवं बहुत पचरे अच्छी रेलवे रो विकास दृष्टि जदि आम अनुमान करवा कलाहांडी जनता पखापाखि 15 लक्ष 17 लक्ष जनता मन मनरे गोटे आशा और आकांक्षा होती जे बहुत दिन रु पड़ रही जूनागढ़ धरमगढ़ नवरंगपुर लाइन हो कि आमर कंटाबांजी रु नवरंगपुर लाइन हो कि धरमगढ़ रु रायपुर एक्सटेंशन हो ए सबू लाइन रे रेलवे विकास रो आशा रखा जाऊँ निश्चित भाव में आम दृढ़तार सहित कहचु जे भरोसार सहित कहचु जे निश्चित भाव में रेलवे विकास व्यापक परिमाण रे हबो। आमर कैबिनेट पाया रेल टेलीकॉम आईटी मिनिस्टर माननीय अश्विन वैष्णव विशेष भाव 21 तारीख 1 बजे 1 रु 1.5 बजे भितर आमपाणी में पहुँचे और कलाहांडी पखापाखि 2 दिन कार्यक्रम से दे कलाहांडी जेन 2 दिन कार्यक्रम देखे आमपाणी कोक्सरा काउडोला यू थ्रो रही जूनागढ़ भवानीपाटना बांधपला भवानीपाटना गोटे कार्यक्रम करमु आम गोटे इंटेलेक्चुअल मीट पखापाखि 700-800 लोक इंटेलेक्चुअल मीट ऋषिगाँ में आम करवार लगे चाहूँ। 2010-11 मसीहाने रेल वागन कारखाना नरलारे करवा लगे प्रस्ताव आसीला तार परे ममता बनर्जी रेल मंत्री थिबार समयाने रेल वागन मरमती कारखाना घोषणा करथिले। इटाके राज्य सरकार ओडिशार 2टा जगाने करवा लगे भाभीथिले हेले 10 बरस हे गला नै हेला जमी अधिग्रहण। झुल्पा अवस्थाने नरला रेल प्रकल्पर भाग्य अधाने रहीचे रेल लोकोमेटिव कारखाना इच्छा नहीं देखाबार राय सरकार 10 बरस हो गला नहीं हेला जमी अधिग्रहण। 2010-11 मसीहाने कांग्रेस सरकार थिबार बेलके रेल वागन कारखाना नल्लारे करबा लागि सेतेबेलर सांसद भक्त दास प्रस्ताव देथिले। इटार परे ममता बनर्जी रेल मंत्री थिबार समयाने रेल वागन मरामती कारखाना घोषणा करथिले। इटाके राय सरकार ओडिसार 2टा जगाने करबा लागि भाबिथिले गुटे गंजाम सीतलापाली आर अन्यटा हेउचे नरला हेले घुसना ने रहीगला रेल प्रकल्प बहुत बरस हेई जाइथिले भिल एबे तक नरला रेल प्रकल्प लागि प्रस्ताव पड़िथिबार जगा चापटखंडाने जमी खंडेक नै देले राय सरकार। इथिरे कारखाना काण बना हबा जहार लागि आसाने रही जाइचे रेल प्रकल्प कारखाना सेते हेले तो आमे स्ट्राइक भी बहुत करथलु बहुत उद्यम करथलु आम नरला अंचलवासी हजार हजार लोक स्ट्राइक भी करथिले किंतु इडा ओडिशा सरकार बीजेडी सरकार रो नवीन सरकार रो आंतरिकता नहीं थी आर इना जमी देवार लगे से नहीं चाहे आर से निर्वाचन मंडल निजे मुख्यमंत्री सीतापल्ली के वागन फैक्ट्री के नहींगल बम्बई दिल्ली कोलकाता जाकर आज्ञा जेने खटी कर खौछन आज्ञा इन्हें तो केन कारखाना गोटे नहीं कि केन काम धाम गोटे भी सरकारी सुजोगी गोटे किसी ना आज्ञा तो से जगह आज्ञा जदि इन्हें कारखाना गोटे हो बोले आज्ञा आमर ये अंचल लोक चली भी पार्बे आज्ञा आराम से चली भी पार्बे आज्ञा समस्त सुविधा हेबा आर हेबार कथा आज्ञा। 2017-18 बजेट ने कलाहांडी नल्लारे विद्युत लोको वर्कशॉप प्रकल्प खर्चा बाबद के 18,06,37,000 बजेट अटकल हिचे सेंता वर्कशॉप बनाबार आर रेल संजोगीकरण लागि दरकार 328.35 एकर जमी हेले ओडिशा सरकार जेतकी जमी अधिग्रहण करबा कथा सेटा नै करी जदि चापटखंडा ने कारखाना हेबा त जिला ने लागिथिबा दादन समस्या दूर हि पारबा। आज्ञा देख छुआ पिला टिके टिके ने केनो दुई ओना पाइले पैसा टिके कमाबे बोले आमे भी चली पारमु आज्ञा के नाम के टिके के सुजोग काम को बार टिके हेता बोले काम को बार टिके मिलले आगे मे भी चली पारमु कुली मंदिर टिके मिलले आमे भी चली पारमु आज्ञा परदेश के काए जे जेमु आज्ञा परदेश के जाई करे हेले हमर काना लाभ होउछि। तेल नदी पर ब्रिज निर्माण है कि कटावांजी सहित जूनागढ़ सहित लिंक हे परिबो अनेक प्रपोजल आमे सब देइछु मु या पूर्व विधायक समय रेल कमिटी मध्ये थिली कलाहांडी को रेल यातायात रे बहुत उन्नति आनिबार अछि सेई पदक्षेप माननीय रेल मंत्री नेबे बोली आमे निश्चित। रेल मंत्री
मंत्री भाव दायित्व नेबार परे अश्विनी वैष्णव 21 आर 22 के कलाहांडी आसुचन। मंत्री आसबार के नहीं किना रेल प्रकल्प लगी कलाहांडी वासी मने नुआ आशा भरी दीचे। हेले सियाडे रेल प्रकल्प लगी कहाँ है जे राज्य सरकार इच्छा नहीं देखाबार ताके नहीं किना प्रश्न सृष्टि हुचे। कलाहांडी जिला नु जसबंत धांगड़ा माझी को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तुरेकिला ब्लॉक ने पातर अंतर आर दुर्नीति होतबार अभियोग आनले स्वाधीन विधायक प्रार्थी सूरत बेहरा। बलांगीर जिला तुरेकिला ब्लॉक के 19 पंचायत लगी गला 2 बरस है 485 जन प्रवासी श्रमिकों ना ने COVID-19 रो परिचालना लगी 6,83,44,354 टंका विधायक अनुदान पांठि SFC CFC आर गरीब कल्याण योजना ने 2,59,05,403 टंका आसीथिला। हेले कोटी कोटी टंका हड़प हेतिबा नै किना गुटे सांबादिक सम्मेलन करी किना सूचना दीछन कंटाबंजी निर्वाचन मंडली रो स्वाधीन विधायक प्रार्थी सूरत बेहरा। गला 2 बरस भितरे हजार हजार प्रवासी श्रमिक निजर गाँव के आसीथिबार बेलके सरकारी तथ्य कहुचे 485 जन प्रवासी आसीचन। 485 जन कर लागि मुंड पिछा 1,39,000 टंका नु अधिका टंका खर्चा हिचे। सेंता अन्य सब योजना लागि धामनडंगा ने 39 लक्ष, बुरमाल ने 37 लक्ष, तुरेकिला ने 34 लक्ष, महाखंड 24 लक्ष, झरनीगा ने 24 लक्ष, चाउल सुखा 12 लक्ष आर माओ इलाका कंदेई बड़बांकी कुईभाल के मात्र 3 लक्ष टंका पाइखाना लागि दिया जाइछे। अलगा पंचायत मान के 10 लक्ष टंका भितरे खर्चा हेतिबार सरकारी तथ्य कहला बेलके केंती कोटी कोटी टंका खर्चा हेला बोली से उपरे से प्रश्न उठी छन। आपण को SFC CFC फंड रे जनसंख्या अनुपात रे 19 पंचायत को समान भाग रे वितरण हेबार कथा किंतु गोटे पंचायत को 40 लक्ष टंका देथिले आ गोटे पंचायत को 3 लक्ष टंका देइ छथि। एही जो व्यापक दुर्नीति हेइ छि आउ अनेक प्रोजेक्ट एमती अछि जोथिरे काम न करिक टंका सरी जाइ छि त एमती अनेक दुर्नीति हेइ छि। एथिरे हमर स्थानीय विधायक संतोष सिंह सालुजांकर संपृक्ति रही छि, तांकर कर्मी मानकर संपृक्ति रही छि एवं पंचायत रो कोनोसी प्रतिनिधि न थाई मध्य ए पंचायत को ए ब्लॉक को से निजर हाथ रे रखी कि ए सब कारोबार करू छथि। आके भी खबर देखमा अभी समय गुटे ब्रेक रो। ब्रेक उतारु स्वागत। ओबीसी बिल के राष्ट्रपति अनुमोदन 105वां संविधान संशोधन आईन के राष्ट्रपति मोहर। ए बिल अनुमोदन हेबा लगी इथर नु पछुआ वर्ग को चिन्हट करबार अधिकार राइज मान को भी मिलबा। सामाजिक आर शिक्षा ने पछुआ वर्ग को बाछी पारबा राइज। अगस्त 11, 2021 ने ए बिल संसद के आसीथिला। राइज ने कोरोना मृत्यु ने नै लागबार ब्रेक। आज 69 लोकंकर जीवन नेछे कोरोना महामारी। लगातार मृत्यु संख्या 60 उपरे रहुतबार बिलके राइज ने मोट मृत्यु संख्या 7,223 के बढ़ी गलान। सेन्ता गला 24 घंटे 986 जन नुआ पॉजिटिव बाहरीछन। 574 जन क्वारेन्टीन होइतबार बिलके लोकाल केस रही 412। 18 वर्षरु कम छुआ 128 जन कोरोना पॉजिटिव होइतबार सूचना मिलीछे। खोर्धानु 373, कटकनु 139, जाजपुरनु 49, जगतसिंहपुरु 45, बालेश्वर जिलानु 25 जन आक्रांत बाहरीछन। चलीचे श्रावण मास जेनाडे देख सियाडे पूरा परिवेश सगुआ देखा जाऊचे। तार संगे झरना पहाड़ नदी लोकमानकर मन मुहचे। ठीक एंता समय ने गधस जलप्रपात भी पर्यटक मानके टाणी नेउचे निजर आड़के। नुआपड़ा सदर महकुमान प्राय 25 किलोमीटर दूरे रही छे प्रसिद्ध जलप्रपात गधस। प्रकृतिर कोलने बोहि जाउथबारी जलप्रपात बहुटे पर्यटक मानकर मने खुशी भरी देउचे। पड़ोसी छत्तीसगढ़ आ नुआपड़ा जिल्लार सीमांतने रहीचे ई पर्यटन स्थली। पड़ोसी जिला बरगढ़ बलांगीर कलाहांडी संगे पड़ोसी राय छत्तीसगढ़ नु भी पर्यटक मानकर भीड़ लागी रहीथिसि। पाखे थिबार पोतरा जोगेश्वर मंदिर दर्शन करिकिना पर्यटक माने गोधस के पले आसीथिसन।
ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଇନକେ ଆସିଥିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ଆର୍ କିଛି ସମୟ ରହିକିନା ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେଇଥିସନ୍। ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ, ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଝରଣା ବୁଲିଲୁ, ଝରଣାର ବହୁତ ଖେଳିଲୁ କୁଦିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ବି ମଝିରେ ହେଲା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିଛୁ ଏ ପୁରା ଯେତିକି ପରିବେଶଟା ଅଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନେ ନାଇ ପଡ଼ବାର। ତାର ସାଙ୍ଗେ ମାଓ ଇଲାକା ହେଇଥିବାର ଲାଗି କେନ୍ସି ବିକାଶ ବି ନାଇଁ ହେଇ। ସେନ୍କେ ଯିବାକେ ନା ଅଛେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିର୍ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଥିସନ୍। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଏଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଲାଗି କାମ ଆଗ୍କେ ଯାଇ ନେଇ ପାର୍ବାର। ଆଗ୍କେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ କାମ କର୍ମୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से सैलानी लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा है, वाटरफॉल बहुत अच्छा है। नयापारा जिला में शायद फर्स्ट वाटरफॉल है। समस्त कहते गौधन गोटे मैंने जगह मैंने बहुत सुंदर जगह अच्छे बोल करें देखी आसली जाए रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं ना, ना फर्स्ट टाइम आसली इन्हें रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं ना, मैंने ट्राफिक खूब मैंने खूब परेशान है मैंने हेली मैंने छुआ पिला धरिकी आसली जाए लगे ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇନା। ଏଠି ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଥିଂ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସିଙ୍ଗଲ, ସେଇଟା କି ଯେହେତୁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କହୁଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଫେସିଲିଟି, ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ପାଣିଟା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହାଇ ଲେଭେଲ ସେଇଟା ଏଇଟା କରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିକିରି ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହେବା ଏଇଟା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଗୋଧର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଗ୍କେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇନ୍କେ ବୁଲି ଆସ୍ତେ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା। ଜିଲ୍ଲାନେ ବହୁତେ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଅଛନ୍, ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ କାହାକେ ବି ସାମିଲ କରାନେଇଯିବାର କି ସର୍ଭେ ବିଲ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାନେ ଏନ୍ତା ଅବହେଳାକେ ନେଇକିନା ଏହାଛିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ। ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା, ଘୋଷଣାରେ ରହିଗଲା କଥା, ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ସହାୟତା। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଆସିଲା ଯୋଜନାର ଅସଲି ଚିତ୍ର ଦେଖୁନ୍ ଏ ଛୁଆମାନ୍କେ। ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଟାମ୍ପରକେଲେ ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ରୋହିଦାସ ଆର୍ ପୁଷ୍ପା ରୋହିଦାସଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଆର୍ ଦୁଇ ପୁଅ। କିଛି ମାସ ତଳେ କୋଭିଡ୍ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଇଜ ନେଇ କେହି ଛୁଆ ଅନାଥ ନାଇଁ ରୁହନ୍ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 18 ବର୍ଷର ତଲକେ ଥିବାର ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ମାସକେ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା। ହେଲେ ଯୋଜନାରେ ହିଁ କଥା ସରିଗଲା। କରୋନା ଟାଇମରେ ସାର୍ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିଶୋର ଆଉ କିଶୋରୀ, ତାଙ୍କର କିଶୋର ଆଉ ତାଙ୍କର ମିସେସ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ ସାର୍, ତାଙ୍କ କିଶୋରର ମା ଅଛନ୍, କିଶୋରର ଦାଦା ଗୋଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀମା ଅଛନ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯୁଡ଼େ ଆଉ ଝିଅ ଯୁଡ଼େ। ଚାଉଲ ଖାଲି 15 କେଜି ପାଉଛନ୍, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଭତ୍ତା ଯେନ୍ ମିଳୁଛେ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେ 500 ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମାଆକେ 500। ହେଇତ ଗୋଟେ ହେଇଟା ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତା ବାଦ ବି ସେ ଝିଅଟା ତାର ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ସେ ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ସେ ଏବେଠୁ ସାର୍ ତାର କାମକେ ବାହାରିଗଲାନ ମାନେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ସାର୍। ସେନ୍ତା ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଶାଲଖିଣ୍ଡା ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗଦୀଶ ସଣ୍ଡଙ୍କର ପୁଅ ସୁଶୀଲ ସଣ୍ଡ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ ନେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଠିକ 4 ଦିନ ଠାରୁ ମାର ଜୀବନ ବି କୋଭିଡ ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଆଜ ତକ ଏ ଛୁଆକେ କେନ୍ସି ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନେଇ କରାଯାଇ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ୍ତା ବାପା ମା ହରେଇଥିବାର ବହୁତଟେ ଛୁଆ ଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ ନେଇ କରବାର। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଏଇ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା କରିଛନ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ 400 ଶିଶୁ ଅନାଥ ହେଇଥିବାର ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ, ଜଲ୍ଦି ଏଇଟାକେ କାମେ ଲଗାଯିବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍।
କରୋନା ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ମାଝି ପାଲି ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେନ କରୋନା ବାହାରିଲା ଆଉ ସେଟା ଧରମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ବୋଲେ ଏଇଟା କି କାଣା ରାହୁଲ କେ କାଣା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ନୁହେଁ ମିଳେ ଚାଉଳ ନୁହେଁ ମିଳେ ପଇସା ବି ନୁହେଁ ମିଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ନୁହେଁ ମିଳେ କିଛି ନୁହେଁ ମିଳେ ତା ସୁବିଧା ହେବା କହିନି ସୁବିଧା କରୁଛୁ ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲୁଛନ୍ ନୁହେଁ ମିଳେ ମିଳିବାର ଛୁଆକେ କିଛି ମିଳିବାର କଥା ତାହାକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କିଛି ସୁବିଧା ତାମାନେ କରିବା କଥା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଲୋକ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲୁ ତା ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ 1500-2500 ଆସିଲା ତେଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଚିହ୍ନଟ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କାଲି ମୋତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼ ବା ନନ୍ କୋଭିଡ଼ ପାଖାପାଖି କେତେ 4 କେସ୍ ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା କରିକିନା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାନ। ଘୋଷଣାରେ ଏତେ ମାସ ପରେ ବିଲ୍ ଅନା ଛୁଆ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଇ ନେଇ ପାରବାର କାରଣ କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କେବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯିବା କି ବାକି ଯୋଜନା ବାକି ଇ ଯୋଜନା ବିଲ୍ ଅନ୍ଧାରେ ରହିଯିବା। ରେଢ଼ା
ସମବାୟ ସମିତି ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦୁର୍ନୀତିକେ ନେଇକିନା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ବରଷ ହେବା ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍। ଦୁଇ ବରଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଲ୍ ଏବେ ତକ୍ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ସମାଧାନ ନାଇଁ କରାଯାଇ। ସାଲେଭଟା ସମବାୟ ସମିତି ନେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିକିନା ସମବାୟ ସମିତିର ତାଲା ଖୋଲାଯିବା ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଆମ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଖାତାରେ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକିରି ତାପରେ ଯାହା ହେଲେ କଟିନି ଛଟିନି କରିକି ଦିଆଯାଉ। ସାଲେଭଟା ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କରାଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି? ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାର ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ କ'ଣ କରାଯିବ, ସାର କେମିତି ଦିଆ ପାଇବେ? ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇବେ ଆଉ। ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସାର, କେବେ କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ ହେବ? ସେଟା ଚାଲିଯିବ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କିନ୍ନର ରଖମା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।